हाय फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ कंप्यूटर और अ फोन गेम यू एंजॉय प्लेइंग सिंस योर चाइल्डहुड। अंदर के क्यूज हैं व्हाट द गेम इज अबाउट, व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग इट, हाउ ऑफन यू प्ले दिस गेम एंड व्हाई यू एंजॉय प्लेइंग इट। अब पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ऐसी कोई गेम जो या तो कंप्यूटर में खेली जाती है या फिर फ़ोन में या फिर दोनों में, ओके, उसके बारे में बात कीजिए जो आप बचपन से खेलते आ रहे हो, सिंस योर चाइल्डहुड। ये गेम क्या है, किसके बारे में है, यानी थोड़ा सा आपको गेम को डिस्क्राइब करना है। आपने इस गेम को खेलना कब स्टार्ट किया और आप ये गेम को कब खेलते हो, कितनी बार खेलते हो, आपकी ये गेम खेलने की फ्रीक्वेंसी क्या है एंड आपको क्यों ये गेम खेलना अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, ऑनेस्टली अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कभी भी अपने फ़ोन में गेम्स नहीं खेलती, मेरे फ़ोन में एक भी गेम नहीं है। हाँ, लेकिन जो पुराने वाले फ़ोन थे उसमें मैं जब छोटी थी तब ज़रूर से कुछ कुछ गेम्स खेलती थी। सो, मुझे ये पर्टिकुलर क्यू कार्ड का आइडिया सोचने में बड़ी दिक्कत हुई। मैंने जब बहुत सोचा फिर मुझे लगा कि क्यों ना कोई यूनिक आइडिया सोचा जाए जो स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं और प्रोफेशनल्स भी बोल सकते हैं, गर्ल्स भी बोल सकते हैं, बॉयज़ भी बोल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वाली आइडिया पसंद आए तो इसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखना ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा आइडिया कैसा था। तो हमारा जो आइडिया है वो कुछ ऐसा है, ये जो गेम है उसमें एक राक्षस है और हमें उस राक्षस से भिड़ना नहीं है, यानी उसके साथ हमें लड़ाई नहीं करनी है और हमारी एनर्जी को बचाना है। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे राक्षस होते हैं जो हमारी एनर्जी को खा जाते हैं और हमारे मूड को ख़राब कर जाते हैं, तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। ऐसा कुछ हम आज बोलने वाले हैं। अगर आपको मेरी आइडियाज़ की PDF बुक को परचेस करना है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब देखेंगे कि हमें जब एक मिनट का प्लानिंग टाइम दिया जाएगा एग्जाम में, तब हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। व्हाट द गेम इज अबाउट में जंप द डेविल, ये ऐसे ही मैंने कोई मनगढ़ंत गेम का नाम लिया है, यू कैन जस्ट चेंज द नेम एज पर योर कन्वीनियंस। व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग इट, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। हाउ ऑफन यू प्ले दिस गेम, ट्वाइस इन अ मंथ। व्हाई यू एंजॉय प्लेइंग इट, इट टीचेस लाइफ लेसंस, कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो 30 सेकेंड्स में बोलना है मैंने उसको आपके लिए अंडरलाइन किया है, और अगर आप IELTS के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सभी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी होगी। चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग वर्चुअल गेम्स, आई लव टू प्ले आउटडोर गेम्स विच गिव्स अस एनर्जी एंड हैप्पीनेस। मुझे वर्चुअल गेम्स यानि कंप्यूटर जनरेटेड गेम्स खेलना बहुत पसंद नहीं है, मुझे आउटडोर गेम्स खेलना पसंद है जिससे मुझे एनर्जी मिलती है और आनंद भी मिलता है। अब अगर आपको ऐसा नहीं बोलना है और अगर आपको ऐसा बोलना है कि मुझे कंप्यूटर गेम्स या तो वर्चुअल गेम्स, फ़ोन गेम्स खेलना बहुत पसंद है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो और साथ साथ आप ये कह सकते हो कि मुझे आउटडोर गेम्स खेलना भी पसंद है। ये मैंने ऐसे ही अपना ओपिनियन दिया है, यू कैन चेंज इट एज पर योर कन्वीनियंस। हावेवर, देर इज़ अ पर्टिकुलर गेम विच आई हैव बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड, द नेम ऑफ द गेम इज जंप द डेविल। एक खास विशेष गेम ऐसी है जो मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ। आपको पूछा गया है कि आप कब से इस गेम को खेल रहे हो, सो हमने कहा मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ और उस गेम का फिर हमने नाम दे दिया जंप द डेविल, यानि राक्षस को अवॉइड करके खुद जाना। ऑल्दो आई प्ले इट ओकेजनली, आई रियली एंजॉय प्लेइंग इट। आई फील दैट प्लेइंग गेम्स इन फोन्स एंड कंप्यूटर्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड सच गेम्स आर फार अवे फ्रॉम रियालिटी। मैं इस गेम को भले ही कभी कभी खेलता हूँ, आपको ये भी पूछा गया है कि आपकी ये गेम खेलने की फ्रीक्वेंसी क्या है, हाउ ऑफन डू यू प्ले, लेकिन फिर भी मैं जब भी खेलता हूँ मुझे मज़ा आता है। मुझे लगता है कि फ़ोन और कंप्यूटर में गेम खेलना समय की बर्बादी है और ऐसी जो गेम्स हैं वो हकीकत से बहुत दूर होती है। विनिंग इन दीज गेम्स डू नॉट हेल्प अस विन इन लाइफ, इन गेम्स में जीतने से हम जीवन में जीतते नहीं हैं। फ्रेंड्स, सॉरी अगर मेरी ये बात आपको पसंद ना आए, ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है। दिस गेम इज़ अबाउट सेविंग आर सेल्व्स फ्रॉम वन वर्चुअल डेविल। ये गेम किसके बारे में है हमें पूछा गया है, सो हम थोड़ा सा गेम को एक्सप्लेन करेंगे। ये गेम जो है वो क्या है, अपने आप को एक वर्चुअल यानी कंप्यूटर जनरेटेड या तो फिर सिमुलेटेड राक्षस से अपने आप को बचाना, ऐसी गेम है। इफ़ वी मैनेज टू सेव आर सेल्व्स देन वी गेट लॉन्ग लाइफ एंड पॉइंट्स। अगर हम अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए तो हमें लॉन्ग लाइफ मिलती है और हमें पॉइंट्स भी मिलते हैं गेम में। द
The devil is red in color and it can attack us from anywhere. If we fight the devil, then we drain our energy and we may also die. राक्षस का रंग लाल होता है और वो कहीं से भी हम पे आक्रमण कर सकता है. अगर हम उसके साथ फाइट करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो सारी ड्रेन हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है और हम मर भी सकते हैं गेम के अंदर, राइट? बट इफ़ वी जंप ओवर इट एंड इफ़ वी लेट इट गो, देन अवर एनर्जी इज़ कंजर्व्ड एंड वी कैन गेट पॉइंट्स इन द गेम. लेकिन अगर हम उसको अवॉइड करें और उसके ऊपर से कूद के चले जाए तो हमारी एनर्जी जो है बच जाती है, कंजर्व हो जाती है और गेम में हमें पॉइंट्स भी मिलते हैं. यानी अगर हम राक्षस से भिड़ेंगे तो हमारी एनर्जी ड्रेन होगी, अगर नहीं भिड़ेंगे और उसके ऊपर से अगर कूद के चले जाएंगे तो हमारी एनर्जी सेव हो जाएगी. हमें क्यों ये गेम खेलना पसंद है अब हम रीज़न दे रहे हैं और हम कब कब ये गेम खेलते हैं वो भी और एक बार हम यहाँ पे बताने वाले हैं. आई फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई कनेक्ट दिस विथ माई रियल लाइफ. मुझे बहुत दिलचस्प लगता है क्योंकि इस गेम को मैं अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकता हूँ. आई प्ले दिस गेम रेयरली, प्रॉबेबली ट्वाइस इन अ मंथ. हावेवर आई मेक इट अ पॉइंट टू प्ले दिस गेम व्हेन आई एम फीलिंग सैड एंड बोर्ड. मैं इसको कभी कभी खेलता हूँ, महीनों में शायद दो बार, और जब भी मैं सैड होता हूँ, बोर होता हूँ, तब तो मैं ये गेम खेलता ही हूँ. इट टीचेस मी मैनी थिंग्स अननोइंगली. ये गेम मुझे बहुत सारी चीज़ें अनजाने में सिखा जाती है. समटाइम्स आई प्ले इट इन माई फ़ोन, इन माई कंप्यूटर एंड समटाइम्स इन माई टीवी. इंटरेस्टिंगली समटाइम्स आई ऑल्सो प्ले दिस गेम इन माई रियल लाइफ. मैं इस गेम को फ़ोन में, कंप्यूटर में या फिर टीवी में खेलता हूँ. और एक दिलचस्प बात यह है कि मैं अपने रियल लाइफ में भी इस गेम को खेलता हूँ. सो अब हम ये बताएंगे और इसके साथ हम जोड़ेंगे कि हमें ये गेम खेलना क्यों पसंद है. आई लव टू प्ले दिस गेम फॉर मैनी रीजन्स. मुझे बहुत सारे कारणों से ये गेम खेलना पसंद है. याद रखिए, जब हम बहुत सारे कारण याद करके जाते हैं तो हमें एटलीस्ट दो कारण तो एग्जाम में ज़रूर से याद रहेंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग गेम एंड इट टीचेज मी इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स. सबसे पहली बात क्या है, ये मेरे लिए जीवन बदलने वाली गेम है और मुझे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन यानी जीवन की सीख सिखाती है. वेन एवर आई मीट समवन हु हर्ट्स मी और चीट्स मी, आई रिमेंबर दिस गेम एंड आई जंप द डेविल. जब भी कोई इंसान मुझे दुख पहुंचाता है, मुझे हानि पहुंचाता है और मुझे चीट करता है यानी मुझसे झूठ बोलता है या मुझे उल्लू बनाता है, तो मैं इस गेम को याद करता हूं और मैं उस डेविल के ऊपर से कूद के चला जाता हूं. इट मींस क्या, आई कंसिडर देम एज डेविल एंड आई ट्राई टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. ऐसे लोग जो मुझे दुख पहुँचाते हैं उन्हें मैं राक्षस समझ के उनको अवॉइड करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ. आई सेव माई एनर्जी एंड आई कैन फोकस ऑन माई गोल. इससे मैं अपनी एनर्जी बचा लेता हूँ और अपना जो लक्ष्य है उस पर मैं फोकस कर सकता हूँ. दिस गेम ऑल्सो हेल्प्स मी इम्प्रूव माई कॉन्सेंट्रेशन. इट इज़ अ गुड एक्टिविटी फॉर पासिंग टाइम. ये गेम मेरा कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करने में भी मेरी मदद करती है और टाइम पास के लिए भी एक अच्छी एक्टिविटी है. भूलना मत मुझे अपना फीडबैक देने में कि आपको ये आइडिया कैसा लगा. इस वीडियो से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसको मैं ज़रूर से थोड़े टाइम में अपलोड करूँगी. अगर आपको कोई क्वेश्चंस या कॉमेंट्स है तो आप कॉमेंट बॉक्स में उसके बारे में ज़रूर लिखिए. फीडबैक ज़रूर देना. ऑल द बेस्ट.